नमस्ते सभी को, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक खूबसूरत सफर पर डलहौजी में। डलहौजी हिमाचल प्रदेश का एक प्यारा सा हिल स्टेशन है जो दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर हम डाइकुन पीक, पुलानी माता, खजियार, डलहौजी मार्केट, पंचपुला वाटरफॉल और कुछ और जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। और मैं आपको यहाँ एक अच्छा बजट होटल स्टे ऑप्शन भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन है डाइकुन पीक। उससे पहले डलहौजी से रास्ते में जाते हुए डाइकुन पीक हम जा रहे थे तो हमें रुक गए और हमारे को मिला ये प्यारा सा एक स्पॉट। तो हम यहाँ पर रुक गए और यहाँ पर करने लगे फोटोग्राफी। यहाँ से आगे गूगल मैप्स फॉलो करते हुए हमें ये साइनेज मिला जहाँ पर हमें डायरेक्शन मिलती है कि डलहौजी की लगभग 4-5 फेमस जो जगह हैं, आपका खजियार है, काला टॉप, डाइकुन, पुलानी माता, ये यहाँ से कितना कितना दूर है। और वहाँ की जो डायरेक्शंस हैं वो आपको एक सिंगल साइनेज से ही मिल जाती है। डाइकुन पीक के लिए ना आपको 12 किलोमीटर गाड़ी से आना होता है। इस पॉइंट पर जहाँ पर आप आते हैं एयरफोर्स के बैरिकेड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो आगे से रास्ता रोका हुआ है। बेसिकली उससे आगे आपको 2 किलोमीटर ट्रैक करके जाना होता है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। तो शुरुआत में तो आपको सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है जो कि इस ट्रैक को काफ़ी ज़्यादा कठिन बना देती है, बट बाद में आपको सीधा पक्का रोड मिल जाता है, ट्रैक मिलता है आपको पूरा प्रॉपर अच्छा, जिससे रास्ता और सफ़र दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाते हैं। यह जगह ट्रैकिंग लवर्स के लिए जन्नत है। ट्रैक करते हुए यहाँ से आपको हिमालय की शानदार रेंज देखने को मिलेगी। सर्दियों में बर्फ़ और मानसून में यहाँ पर ऐसे बादलों से ढके हुए खूबसूरत पहाड़ आपको देखने को मिल जाते हैं। टूरिस्ट को ये जगह बहुत पसंद आती है। कहते हैं अगर आपने डाइकुन पीक देख लिया तो 70% डलहौजी आपने समझो देख लिया। तो ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना ही चाहिए अगर आप डलहौजी आए हैं तो। सो जब आप डाइकुन पीक के लिए जा रहे होते हैं तो आपको इस तरीके का पूरा ट्रैक मिलता है। मैं गया था मानसून में और यहाँ पर जो बादल थे वो हमसे नीचे और हमारे आसपास घूम रहे थे और काफ़ी ज़्यादा सीनिक व्यू हो गया था पूरा का पूरा। तो दोस्तों खजियार से 17 किलोमीटर के करीब का रास्ता है। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो सिर्फ गाड़ी से ही आप आ सकते हो, वहाँ पे बाइक भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और काफ़ी स्टीप चढ़ाई है तो थोड़ा सा ध्यान से वहाँ पर चलाना पड़ता है गाड़ी को। पार्किंग पॉइंट होता है जहाँ पर सारी गाड़ी पार्क करके आपको आगे जाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको उसके आगे अलाउड नहीं है, एक मंदिर का गेट बना हुआ है वहाँ से आपको ऊपर ट्रैक करना पड़ता है, वो इस तरीके का जो गेट है। यहाँ पर काफ़ी वेदर जो है क्लाउडी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी वेदर है। तो अभी मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर हम पहुँच तो जाएंगे बट वो व्यू मिलेगा हमारे को जिस व्यू के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि अगर टॉप पे अगर आप जा रहे हो तो आप एक व्यू एक्सपेक्ट करते हो वहाँ से, बट यहाँ पर तो क्लाउड कितने हैं कि पूछो मत। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये मेरे पीछे आप देख रहे हो क्लाउड, ये क्लाउड यहाँ पर। व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मानसून का टाइम है और मैं अगस्त के महीने में यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ, वो बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत अमेजिंग। कहते हैं ना ओस से पूरी की पूरी जो ग्रीनरी है ना वो दिखने लग रही है। और आप यहाँ पर देखो क्या जबरदस्त नज़ारा है, ये देखो कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पर। तो अभी 200 मीटर रह गया है बस ये, और एकदम से मौसम कभी बिगड़ता है कभी ठीक हो जाता है, कभी ऐसा सिचुएशन हो रखा है। तो जैसे मैंने बोला डाइकुन ट्रैक का जो एंड होता है वो होता है पुलानी माता टेंपल से, जिनकी कहानी बहुत चर्चा में है यहाँ पर। और कहते हैं कि हजारों वर्षों पूर्व यहाँ पर डायनो का वास होता था और वो लोगों को यहाँ पर बहुत परेशान करती थी। कहते हैं कि बहुत मन्नत के बाद यहाँ पे माता ने पत्थर को फोड़ कर यहाँ पर प्रकट हुई थी और सभी डायनो का यहाँ पर उन्होंने खात्मा करा था। वैसे पुलानी का मतलब पहलवान या पहलवानी भी होता है। आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात वो डायने यहाँ आती है। नवरात्रों में यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाएगी आपको। तो इस मंदिर के बगल में ही आपको एक छोटे से 2-3 शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर बेसिकली छोटा मोटा खाने का आइटम आपको मिल जाता है अगर आपको भूख लग रही है, आप कुछ खाना चाहते हैं तो। सो यहाँ पर ये हमारा जो ट्रैक है कंप्लीट हो गया है, अभी हम वापस जा रहे हैं डाइकुन पीक से पूरा का पूरा अपना जो ट्रैक कंप्लीट करके।
वापसी के इस टाइम जो वेदर है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हो पूरा क्लाउड से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और शाम का टाइम है, 4 से 5 बज रहे हैं और 5 या 6 बजे के बाद ये रोड भी सेफ नहीं है। तो आपको उससे पहले पहले यहाँ से वापस हो जाना चाहिए, मतलब 5-6 बजे आप ये ट्रैक कंप्लीट करके आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, ऐसा यहाँ के लोकल कहते हैं। डलहौजी में सेकंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए ये जगह जिसका नाम है खजियार, जो इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है, जो यहाँ की खूबसूरत मिडोज़ और पाइन ट्रीज़ के बीच में स्थित है। यहाँ पर हमने एक रिलैक्सिंग वॉक करा इन कपड़ों के साथ और फोटोग्राफी का मज़ा लिया। ये जगह टूरिस्ट के लिए एक मस्त विजिट जगह है। छोटे छोटे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, यहाँ जैसे छोले कुलचे गोलगप्पे और अच्छे रेस्टोरेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा खासा पार्किंग स्पेस भी है यहाँ पर, यहाँ एक छोटा सा पॉन्ड भी है जहाँ आपको मछलियाँ देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों वेलकम है जी अगेन आपका मेरी वीडियो में, जो कि आज मैं कवर कर रहा हूँ डलहौजी, और डलहौजी के अंदर मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ वो खजियार है। खजियार से पहले मैं आपको अपना रूम के बारे में, स्टे के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप भी कभी आ रहे हैं तो आप भी प्लान कर सकते हैं। होटल कम्फर्ट कोर्ट में हमारा स्टे है और यहाँ पर हमारे लिए सब कुछ सुविधाजनक था। आप भी यहाँ इस होटल में स्टे कर सकते हैं। 2000 के आसपास का यहाँ पर चार्ज देना होता है। ये 3-स्टार कैटेगरी में आता है और आपको बालकनी रूम्स यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। पार्किंग का भी स्पेस बहुत ही अच्छा है खासा है यहाँ पर, यहाँ पर आपको ऊपर टेरेस पर मिलता है, लिफ्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो होटल है ये सुभाष चौक के वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है और इसके जो रूम्स हैं अंदर से इंटीरियर कुछ इस तरीके के हैं, जो कि मुझे तो पर्सनली काफ़ी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। अब हम डलहौजी मार्केट पहुंचे हैं जहां आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, वुलन क्लोथ्स और डिलीशियस हिमाचली क्यूजीन मिलता है। यहां की शॉपिंग और खाना दोनों ही यहां के एक्सपीरियंस को और भी स्पेशल बना देते हैं। यहां कुछ मज़ेदार गेमिंग स्टेशंस भी हैं जो आपको एंटरटेन करेंगे। बात करें अगर खाने पीने के ऑप्शन की तो शेरे पंजाब यहाँ पर काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, उसकी चेन है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको खाना अच्छा खाना है तो आप यहाँ पर एक ट्राई मार सकते हो। ये जगह है पंचपुला वाटरफॉल, ये जगह एक नेचुरल ब्यूटी है और यहाँ के पानी की शुद्धता को देखकर आपका मन भी शांत हो जाएगा। एक छोटा सा 5 मिनट का ट्रैक करके आप इस वाटरफॉल को बहुत पास से देख सकते हो। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं ड्राइव करके तो आप भी अमृतसर को स्टॉपिंग पॉइंट बना सकते हैं, क्योंकि नॉनस्टॉप डलहौजी एक दिन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हम यहाँ से अमृतसर रुकेंगे और गोल्डन टेम्पल देखकर वापस दिल्ली लौटेंगे। तो ये था हमारा सफ़र डलहौजी में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऐसे ही खूबसूरत और एडवेंचरस सफ़र के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।